हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजे आरवे। दोस्तों बहुत दिन बाद वीडियो बनाया है। देखो बहुत लोगों ने ऑर्डर किए थे ऑफर में ऑर्डर दिया था, तो उनका मेरे पास दवाई खत्म हो गया था पूरा, तो मैंने दूसरा स्टॉक तैयार किया। दवाई बनाने में इतना टाइम चला गया, तो अब मैं भैया देखो ऐसे ही कपड़े भी पहना हुआ हूँ और आज ऐसे ही वीडियो बना दिया। तो भाई ऐसा मत कहना कि वीडियो नहीं आ रही, वीडियो आएंगी लगातार। अब आज का जो वीडियो है ना, इतना ज़बरदस्त है भाई साहब कि ये चीज़ मैंने जब मैं दवाई बना रहा था, तैयार कर रहा था, तो मेरे जहन में आई, ख्याल में आई। कुछ लोग इनको इसको मंगवाने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं जो मैं बता रहा हूँ। इसे टाइमिंग जो है बहुत ज़बरदस्त रहती है। इसको खाने का तरीका मैं बताऊंगा अभी। देखो एक कैप्सूल रहता, मैंने बना के तैयार कर लिया, मैं दिखाऊंगा अभी। एक कैप्सूल इसका जो है टाइमिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, लिंग के तनाव के लिए और टाइमिंग के लिए। टाइमिंग 1 से 1.5 घंटे आराम से कर देगा और लिंग का तनाव बहुत अच्छा हो जाएगा। लिंग का तनाव मतलब लिंग में जिनके तनाव नहीं आता, ढीलापन रहता है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अभी मैं बताता हूँ ये चीज़ क्या है। यह सिंगरफ और संखिया का मिक्स अच्छी मतलब सूक्ष्म क्वांटिटी में, सूक्ष्म मात्रा में इसमें मिक्स किया गया है संखिया और सिंगरफ, बाकी बहुत सारी जड़ी बूटियां और भस्में। इसको खाने से, एक कैप्सूल खाओगे, एक दिन में 1 लीटर दूध पीना है कम से कम। आप 2 लीटर पी सकते हो, 5 लीटर पी सकते हो। लगातार आपको 15 से 20 दिन या 30 दिन की दवाई दूंगा मैं, 30 दिन की दवाई दूंगा, 30 दिन की दे दूंगा, 30 दिन की दवाई दूंगा। और इसको खाने का तरीका क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखो ये है कैप्सूल, गोल्डन कैप्सूल आएंगे, क्योंकि मेरे पास कवर गोल्डन वाले ही हैं, मैंने यही इनमें ही भरवा लिया। अब ज़्यादा आ गए थे, थोड़े सस्ते भी आते हैं, और सस्ते इतने नहीं है, मैं अच्छा माल अच्छा लेता हूँ, ठीक है। ये अच्छे वाले हैं, मतलब ज़्यादा लेता हूँ तो सस्ते पड़ जाते हैं, ऐसी बात है, ये बात नहीं है। देखो तो ये कैप्सूल हैं, इन कैप्सूल्स में सिंगरफ और संखिया, आपने अगर पढ़ा हो आप गूगल पे जाके सर्च मार लो संखिया क्या रहता है। सूक्ष्म मात्रा में अगर संखिया की मात्रा अगर आपको दी जाए तो आपको क्या रहता है, संखिया जो है आपके अगर पेट में चला गया, ज्यादा मात्रा लोगे तो जान ले लेगा, और कम मात्रा लोगे तो एकदम जान फूंक देगा शरीर में, एकदम ताकत, एकदम पावर, एकदम मतलब एकदम सही हो जाओगे। तो संखिया का ये काम रहता है। और सिंगरफ, सिंगरफ का अगर 4 डोज भी अगर दे दिया जाना है असली शुद्ध सिंगरफ का, तो भैया जी मान के चलो 4 दिन में ही एक पुंसक आदमी, एकदम बेकार नामर्द आदमी मर्द बन के तैयार हो गया, भाग खड़ा होगा। सही बता रहा हूँ, अच्छी क्वांटिटी, अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी में अगर ये चीज़ें सेवन कराई जाएँ तो कोई भी नामर्द आदमी मर्द बन सकता है। ये मैं नहीं, ये आयुर्वेद कहता है, आप कहो तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। और उसी आधार पे मैंने इस फॉर्मूले को बना के तैयार किया है। इसका जो प्रचलन है बहुत जोरों शोरों से, इसको खाया कैसे जाता है, मान के चलो आपने एक कैप्सूल आज खाया, एक कैप्सूल को आप खाने के बाद 1 लीटर दूध से तो खाओगे, और गाय का दूध ही आपको यूज करना है रोज आना, भैंस का दूध यूज मत करना, क्योंकि भैंस का दूध आपको पच नहीं पाएगा, तो गाय का दूध आपको पीना है। 1 लीटर गाय का दूध पियो, एक कैप्सूल खाओ लगातार, आज एक कैप्सूल खाया, कल एक कैप्सूल खाया, परसों एक कैप्सूल खाया, 3 दिन तक एक एक कैप्सूल खाओगे। अगर आपको झेल जाए, मतलब आप झेल रहे हो, मतलब आपको लग रहा है मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, आराम से झेल रहा हूँ, तो आप परसों से 3 दिन बाद 2-2 कैप्सूल खाना स्टार्ट कर दोगे। 2-2 कैप्सूल अगर झेलते हैं आप पे तो अच्छी बात है, नहीं झेलते तो एक एक ही खाना। 2-2 कैप्सूल आप लगातार 4 दिन या 5 दिन तक खाओगे, 5 दिन तक आप खा लो 2-2 कैप्सूल 5 दिन तक खा लो। 5 दिन तक अगर आप ये भी झेल लोगे ना, रोजाना 1 लीटर दूध आपको पीना ही पीना है, इनको इनकी गर्मी को शांत करने के लिए 1 लीटर दूध पीना है। और घी लेकर रख लेना कम से कम 1-2 किलो घी लेकर रख लेना रोजाना, 50 ग्राम 100 ग्राम दूध सुबह, घी सुबह शाम आपको खाना ही खाना है। इस घी को और इसको सेवन करने के बाद, अब मैं घी और दूध का भी बताता हूँ आपको कैसा रहेगा। दूध और घी अगर इसको सेवन करते समय आपने यूज कर लिया, खा लिया लगातार 15 से 20 दिन तक, कम से कम 2-3 साल तक नामर्दी पास नहीं आएगी, भाग जाएगी दूर, पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। 2-4 दिन आप इसको यूज करोगे, दूध पियोगे तो ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा ताकत आ रही, पता नहीं किसको फाड़ दूं जाके, ऐसा लगेगा बहुत ताकत आ जाती इससे, क्योंकि वो दूध जो है पूरा शरीर में लगता, घी जो है पूरा हड्डियों में जाता, पूरा शरीर में लगता, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता इसको खाने के बाद। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, दूध और घी रख लेना है इसकी गर्मी को शांत करने के लिए। आपको दूध और घी की मात्रा बहुत ज्यादा खानी, जितना खा सकते हो खा सकते हो, खा लो, ठीक है। उसके बाद आप हमसे ये मंगाओगे
तो आपको पहले पेट अगर आपका सही है तो ठीक है, नहीं तो पेट की दवाई और इसके साथ मंगाना, ठीक है, पेट की दवाई अलग से मिलेगी, यह ध्यान रखना। तो ये आप परचेज कर सकते हो हमसे, हम इनको आपको प्रोवाइड करा देंगे। बहुत ही अच्छी कैप्सूल है ये, सिंगरफ संख्या कैप्सूल है, सिंगरफ संख्या इनका नाम है, सिंगरफ संख्या करके कैप्सूल है ये, सिंगरफ संख्या कैप्सूल आप अगर हमसे मंगाएंगे तो ये कैप्सूल आपको मिल जाएंगे। थोड़े महंगे हैं, चीज एक नंबर की दूंगा, क्वालिटी एक नंबर की दूंगा, 1% कहीं भी कुछ गड़बड़ लगे लैब टेस्ट करवा लेना जाकर, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये जे भाई कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ भी अलग चीज दे रहा है, कुछ ऐसा एलोपैथिक मिक्स करके दे दिया भाई, तो लैब टेस्ट करवा लेना, बात खत्म। और जो करना हो वो करवा देना, जो होता है वो करवा देना मेरा भी क्योंकि मैं किसी के साथ धोखा नहीं करता, किसी को गलत चीज किसी को देता नहीं, गलत काम करता नहीं किसी के साथ। तो बस इसी के लिए मैं आया था, ये कैप्सूल जो है बहुत जबरदस्त। और हाँ, एक चीज और है मेरे पास, जिन लोगों का लिंग खड़ा नहीं होता ना, लिंग में बिल्कुल बेजान हो चुका है, उनके लिए एक पेस्ट बना के तैयार किया है मैंने, पेस्ट बन गया है, तिला 49 जड़ी बूटी वाला, तिला अखंडी तिला बन गया है। बनने के बाद जो पेस्ट बनता, जो उसका वो बचता है, उसमें पेस्ट बना के तैयार करता हूँ। जिन लोगों का लिंग बिल्कुल खड़ा नहीं होता, उनको लेप किया जाता है, वो मैं बहुत सस्ता दे दूंगा। जिनको भी चाहिए वो मुझे कॉल करें, मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा पेस्ट का, तिला पेस्ट ऐसे पेस्ट करके डाल दूंगा, लिंग वर्धक पेस्ट, ठीक है, लिंग वर्धक पेस्ट करके डाल दूंगा, और ये संख्या और सिंगरफ कैप्सूल करके डाल दूंगा। तो आप इनको वहां से परचेज कर सकते हो, नहीं करो तो मुझे व्हाट्सअप करना, मैं नंबर नीचे डाल दूँ, ये नंबर लिखा ही रहता है, तो मुझे कर लेना, मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो